वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई ने क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस को टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया है एंड बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करना है, क्या करना है। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैंने सीबीएसई स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल में भी आपको मार्किंग करवाई थी कि टर्म वन में जो चैप्टर आ रहे हैं उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन डिलीट करना है। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, आज हम एमएल अग्रवाल की बुक में से डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको डिलीट करना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अभी आपके सामने वॉल्यूम नंबर वन ओपन करा है एंड अगर आप मेरे साथ साथ मार्किंग कर रहे हैं क्वेश्चंस का तो आपके पास वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू और साथ में इन्हीं का एक सप्लीमेंट मटेरियल है वो होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो अगर आपके पास बुक है तो वीडियो कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लो और साथ साथ मार्किंग कर लेना। देखिए हमारी पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही हम पेज नंबर 4 पर हैं और पेज नंबर 4 पर आपको वॉल्यूम नंबर 1 का कंटेंट दिया हुआ है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए टोटल 8 चैप्टर हैं। वॉल्यूम नंबर 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं जिनमें से आप लोग मार्किंग कर लो। चैप्टर नंबर 7 टर्म 2 का है और चैप्टर नंबर 8 टर्म 2 का है। बाकी चैप्टर नंबर जो 3 है इसको तो आप पूरा का पूरा डिलीट कर दो। चैप्टर नंबर 3 हमारा टर्म 1 और टर्म 2 किसी में भी नहीं आएगा, तो चैप्टर नंबर 3 को पूरा का पूरा डिलीट करना है। और चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 हमारे टर्म 2 के चैप्टर हैं। बाकी जितने बचे हुए चैप्टर आप देख रहे हैं 1, 2, 4, 5, 6, ये सभी के सभी चैप्टर हमारे टर्म 1 के चैप्टर हैं। बाकी के जो टर्म 1 के चैप्टर हैं उनमें से कुछ आपको सप्लीमेंट मटेरियल में देखने को मिलेंगे और कुछ चैप्टर आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 1 की। देखिए पेज नंबर 5 से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एग्जाम्पल 1 डेफिनेटली करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको डेफिनेटली करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी करना है, एग्जाम्पल नंबर 6 भी करना है। यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल नंबर 6 को शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 को आप लोग शॉर्टकट मेथड से करोगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी आप शॉर्टकट मेथड से करोगे। लास्ट टू डिजिट फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है तो आप उस शॉर्टकट मेथड का यूज करके एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 8 तो आपको इसी वाले मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं एंड पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 आपको करनी है। इनमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी डिलीशन नहीं है। इसमें बस ना एक चीज की मिसिंग है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है। आपको क्वेश्चन के अंदर ना लास्ट की यूनिट डिजिट बतानी होती है, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो अगर आपके पास कोई दूसरे राइटर की बुक है तो उस बुक में से आप ये यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन कर लेना। यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। इनमें आपको यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। देखो लास्ट के 2 डिजिट के क्वेश्चन है, 3 डिजिट के क्वेश्चन है, 2 डिजिट के क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं है। तो वो आप दूसरी बुक रेफर करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ये अर्थमेटिक फंक्शंस को पूरा डिलीट कर देंगे, अर्थमेटिक फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अर्थमेटिक फंक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो हम नहीं करेंगे। इसके बाद एलिगेशन और मिक्सचर के 2 फॉर्मूला जिन्होंने बताए हैं, एक तो आपको ये वाला डायग्राम सीखना है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल 1 करिएगा, एग्जाम्पल 2 भी आप करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे क्रॉस करिए, एग्जाम्पल 3 नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आप करिएगा और यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, इन्होंने बहुत बड़ा मेथड करा हुआ है, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन डन दिस एग्जाम्पल बाय शॉर्टकट मेथड। प्लीज आप अपने टीचर को बोलिए कि आपको इस क्वेश्चन को करने का, इस एग्जाम्पल को करने का एक दूसरा मेथड सिखाया जाए जो इजी होता है, ठीक है।
अगर इतना सब कुछ लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 आप डेफिनेटली करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं करेंगे, ठीक है। देन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डेफिनेटली करना है शॉर्टकट मेथड से, क्वेश्चन नंबर 10 भी शॉर्टकट मेथड से करना है। ये सब सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। 9 और 10 को जब आप कर लोगे तो उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 12 दोनों करने हैं, सॉरी तीनों करने हैं, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिलीट है, बाकी सब करने हैं आपको। उसके बाद बोटेन स्ट्रीम है, बोटेन स्ट्रीम में जो इन्होंने यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड बता रखे हैं ना, ये वाले मेथड जो इन्होंने बता रखे हैं, सिर्फ आप इसी को यूज करिएगा, ठीक है। इन्होंने दो चार और भी बता रखे हैं, उनको यूज करना नहायती बेवकूफ़ी है। एग्जाम्पल नंबर 1 आप करिएगा, ठीक है। फिर ये एक दूसरा मेथड इन्होंने बता रखा है जिसको हम शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं, लेकिन इसको याद करना ना थोड़ा दिक्कत देता है, इस मेथड को लर्न करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप इस मेथड को लर्न मत करिएगा, आप बेसिक मेथड से क्वेश्चन को बनाइएगा, आप डेफिनेटली बना पाएंगे। तो एग्जाम्पल 2 भी आप करिएगा, ठीक है। ये सब चीजें ना लर्न करने वाली चीजें हैं, तो लर्न करने के लिए हमारे क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप ये वाली चीजें क्यों लर्न कर रहे हो, उनको लर्न मत करो, बेसिक मेथड से आप करो, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड के अंदर भी आपको इस जैसे इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है ना डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की नीड नहीं है, आप बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन को उड़ा पाओगे, उड़ाने का मतलब है सॉल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है। बाकी एज सच इस एक्सरसाइज से अगर हम डिलीशन करने की बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं, ये आपको पूरा करना है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा जो चीज मैंने आपको बोली है उसके ऊपर ध्यान से फोकस करिए कि आपको जितने भी क्वेश्चन ये करने हैं ना वो बेसिक मेथड से करने हैं, आपको कुछ भी चीज इस वाले टॉपिक में लर्न करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज लर्न मत करना, ठीक है। फिर ये हमारा यहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन नंबर 1 तो डेफिनेटली करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 भी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 भी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करेंगे, ठीक है भैया, एग्जाम्पल नंबर 5 भी करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 6 तो डेफिनेटली करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 को आप क्रॉस करेंगे, एग्जाम्पल 7 नहीं करना, ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 आप करिए, ओके। एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर आप क्रॉस करिए, ये नहीं आएगा। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज है 1.5 पार्टनरशिप की, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करेंगे, बाकी 1 से 9 आप पूरे करेंगे। देन हमारा स्टार्ट होता है पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज मत करो, एक दूसरा मेथड होता है एलसीएम मेथड, उसको सॉल्व करके बहुत अच्छा मेथड है, उसको आप यूज करो क्वेश्चंस करने में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पाइप एंड सिस्टम में आप देखो पेज नंबर 13 पे एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं करना, ठीक है। बाकी के सारे आपको करने हैं, जो नहीं करने वो मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल 8 नहीं करोगे आप। देन एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करोगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। रेसिस और गेम में मैंने आपको बहुत बार बोला है कि रेशो कंसेप्ट का यूज किया करो, यूज इतना सब कुछ यहाँ पे लिखा है, इतना सब कुछ लिखने की नीड नहीं होती। बाकी ये वाला टॉपिक बहुत ही आसान है, इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, तो इसमें कुछ भी डिलीशन नहीं है, हर एक चीज आपको करनी है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लिख लो 1.7 एक्सरसाइज आप रेशो मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। 1.7 एक्सरसाइज में आप लोग यूज करेंगे रेशो मेथड का। देन एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 नहीं करेंगे। पेज नंबर 39 पर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब आपको नहीं करना है। केस स्टडी की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये कर सकते हैं, बोटन स्ट्रीम की केस स्टडी है ये, ठीक है। 5 में से 4 क्वेश्चन आपको करने के लिए एग्जाम में आएंगे। एंड देन आपको एक ये मॉड्यूलो अर्थमेटिक का केस स्टडी दिया हुआ है, ये क्लोक का केस स्टडी है, इजी होता है ये, 24 आवर क्लोक है, ये 12 आवर क्लोक है, तो आपको टाइम चेंजिंग का क्वेश्चन आता है इसमें, करिएगा इसको, ठीक है।
पार्टनरशिप की केस स्टडी आपको दे रखी है, प्रैक्टिस करिए इसमें से। ठीक है, एक ये पाइप एंड सिस्टम का केस स्टडी आपको दिया हुआ है, इसको भी प्रैक्टिस करो। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करिए इसमें से प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, देन चैप्टर नंबर टू है हमारा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, इन वाले सिंबल्स को अच्छे से स्टडी कर लेना और आप ये वाली टेबल को भी अच्छे से करना। ठीक है, इसमें आप ये एग्जाम्पल नंबर टू नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं करना आपको, और एग्जाम्पल नंबर टू के ही बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 आपको नहीं करने। ठीक है, देन पेज नंबर 51 पर एग्जाम्पल नंबर 3 में सेकंड पार्ट नहीं करना आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करना। एंड पेज नंबर 52 पर जो आप ये देख पा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना आपको, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट्स नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना। देखिए, जो पेज नंबर 52 पर एग्जांपल 1 है ना, इनका ये वाला इंटरवल बनाना आप सही से सीख लेना। ठीक है, एमसीक्यू में इस तरह के इंटरवल बने हुए आएंगे, तो आपको ये इंटरवल सही से बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो इनको अच्छे से करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में ना बस आपको इन्हें सोल्व करना है और ये वाला इंटरवल बनाना है। ठीक है, सोल्व करना है और इंटरवल बनाना है, इसको ग्राफ पे नहीं करना। ग्राफ बनाना थोड़ी आएगा एक नंबर के क्वेश्चन में, यार क्या बात कर रहे हो आप। एग्जाम्पल नंबर 4 भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे नहीं आएगा, इसको नहीं करना। ठीक है, ये देखो 7 से लेके 9 क्वेश्चन बिना मतलब के क्वेश्चन है, नहीं करने। ठीक है, ओके। देखिए पेज नंबर 56 पर भी लिखा हुआ है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ये नहीं करना आपको, जस्ट आपको ये इंटरवल फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, ये इंटरवल फाइंड करना सीखना है आपको। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ये नहीं करना, बाकी सब करेंगे आप। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना पेज नंबर 58 पर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ये नहीं करेंगे आप। ठीक है, ग्राफ बनाने का काम भाई 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो ग्राफ बनाने का काम 1 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आपको नहीं करना। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज जो भी है, जितने भी एग्जांपल हैं, ये आपको नहीं करने। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ग्राफ बनाना है, नहीं करना ये एक्सरसाइज 2.6 हो गया, बिल्कुल नहीं करेंगे आप ये। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 to 5 वाला करेंगे, ये 6 to 10 वाला नहीं करेंगे। देखो मैंने कहा ना आपको, बस ये इंटरवल बनाने आने चाहिए, तो देख रहे हो इंटरवल बनाने वाले ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, है ना। तो बस आपको इंटरवल फाइंड करना आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ये एग्जांपल 15 को क्रॉस कर दो, ये क्वेश्चन 15 क्रॉस कर दो। इसके बाद मैंने आपको बोला पेज नंबर 66 पे चैप्टर नंबर जो 3 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम क्रॉस। देन पेज नंबर 82 पे हमारा चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स स्टार्ट होता है, इसमें आप देखिए पेज नंबर 89 पर एग्जाम्पल 1 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 1 नहीं आएगा 1 मार्क्स में। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी नहीं आएगा, इसको भी नहीं करना। बीच के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे करने हैं, बस जो क्रॉस करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं करना आपको, ये 4.2 आप एकदम कंप्लीट करेंगे, कुछ भी डिलीट नहीं करना। पेज नंबर 96 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको डिलीट कर देंगे। पेज नंबर 97 पर एग्जाम्पल नंबर 7 को नहीं करेंगे। देन पेज नंबर 98 पे एग्जाम्पल 8 नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 को आप यहाँ पे लिख लो, इसको आप इनवर्स मेथड से करना। ठीक है, आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने एक इनवर्स मेथड पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इनवर्स मेथड से करना। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन मत करना, ये वाला बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर एक नंबर में करना है तो आप इसको इनवर्स मेथड से करो, बहुत फास्ट आंसर आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं करेंगे, इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। फिर देखिए पेज नंबर 101 पर क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करेंगे, ये बिना मतलब का क्वेश्चन है, इसको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 में एक भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करने ये क्वेश्चन। ट्रांसपोज में ये प्रॉपर्टीज को एकदम अच्छे से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 3 भी हम नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 हम डेफिनेटली करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा इस एग्जाम्पल का। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, चारों के चारों पार्ट्स नहीं करने आपको, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप करेंगे, ठीक है। देखो कितना लड्डू लेवल वाला क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, ये वाला जो मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है, तो भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन पेज नंबर 109 पर हमारा चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट स्टार्ट होता है, पेज नंबर 114 पर एग्जाम्पल 6 है चैप्टर डिटर्मिनेंट का, ये नहीं करना आपको, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे आप, एंड क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे। देन ये पेज नंबर 121 पर और आपकी बुक में है पेज नंबर 116, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से सोल्व करना है, तो ये आप करिएगा, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं, इनको डिलीट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको डेफिनेटली करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 आप करिएगा, ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड सीख लेना, एग्जाम्पल नंबर 5 का भी एक शॉर्टकट मेथड होता है उससे आप करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6 डेफिनेटली करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 भी डेफिनेटली करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 13 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14 भी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो इसका शॉर्टकट मेथड आप सीख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 भी नहीं करेंगे, और अगर करना है तो शॉर्टकट मेथड से करना, एग्जाम्पल नंबर 20 बिल्कुल भी नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 21 क्रॉस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करिएगा, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप करना, ठीक है, 11 भी आप करिए, एंड जो 11 के आगे 12 क्वेश्चन है, 12 13 15 जितने भी हैं क्वेश्चन आगे, इनको मत करिएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे आते हैं, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है, तो उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आगे जितने भी है नहीं करने आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं करना, डिटरमिनेंट चैप्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के आगे जितनी भी एक्सरसाइज है और जितने भी क्वेश्चन है आप प्लीज इसको मत करिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। पेज नंबर 137 और आपकी बुक में पेज नंबर 136 पे एक ये आइडेंटिटी दी हुई है, इस आइडेंटिटी को लर्न करिएगा, एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, एक ये थ्योरम है या फिर आप इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 डेफिनेटली करना है, सिमिलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप करिएगा, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 भी करना है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 को क्रॉस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 आप करिएगा, ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 7 में थोड़ा यहाँ पे आपको सही से विजिबल नहीं है लेकिन इसको क्रॉस करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्रॉस, फिर ये हमारी एक्सरसाइज 5.4 आ गई है पेज नंबर 143 पर, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 को डिलीट करेंगे, एंड देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, जो मैंने आपको अभी ऊपर प्रॉपर्टी लर्न करने के लिए बोली थी, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व होएगा, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई होगा, तो आपको क्या करना है, बस ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, जो मान लेते हैं अभी मैं मान लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट ए आएगा इसका, ठीक है, सोल्व करने पे आप सोल्व करना डिटर्मिनेंट ए आएगा, तो ए के साथ में आपको 100 010 और 001 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको मेहनत करनी है डिटर्मिनेंट फाइंड करने में, और इस तरह से यहाँ पे लिख देना है, बल्कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A00 0A00 00A, ठीक है, ए है डिटर्मिनेंट वैल्यू, आप लोग फाइंड करिएगा, ए सब्स्टिट्यूट करिएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में जो यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है ना, ये वाला वेरिफिकेशन आप लोग मत करना, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 को तो पूरा ही डिलीट कर दो, ये नहीं आएगा। और यहाँ पर जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, इसको आप इनवर्स मेथड से करना, एलिमेंट्री मेथड से मत करना, ठीक है,
इनवर्स मेथड से आप इसको करिएगा, एलिमेंट्री मेथड से मत करना, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि इनवर्स मेथड में आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन सेम सेम है, इनवर्स मेथड से आप लोग सोल्व करिएगा, इजी होता है। देन आपको जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है ना, ये हमारे सिलेबस में है लेकिन जस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। आपकी बुक में होमोजीनियस, यूनिक, लटरम पटरम, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल बहुत कुछ दिया हुआ है, वो सब नहीं करना। बस आपको गिवन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको सोल्यूशन सीखना है और कुछ नहीं करना। जैसे देखो यहाँ लिखा भाई होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। देखो जैसे ये सेकंड वाला पार्ट है इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट है तो इसको क्रैमर रूल मेथड से आपको सोल्व करना आना चाहिए। ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना कि ये होमोजीनियस है, ये पैरेलल लाइन है, ये है, ये वो है, इतना सब कुछ नहीं, बस आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्रॉस करवा दिया, इसको नहीं करना। ये एग्जाम्पल थ्री पे क्रॉस कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कंसिस्टेंट देन सोल्व, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, कंसिस्टेंट सोल्व ये सब कुछ नहीं, आपको बस क्वेश्चन को सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ जैसा सिस्टम हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, क्या है ये बेवकूफी, ट्राइवल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, क्या नाटक है ये, ठीक है। काटो इसे, कौन सा क्वेश्चन है ये, एकदम काटो इसे, ठीक है। बस आपको देखो छोटी सी इक्वेशन है इसको सोल्व करना सीख लो, छोटी सी इक्वेशन है सोल्व करना सीख लो, ये काटा मार दो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन करने, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना, जैसे ये अंग्रेज बनने वाला क्वेश्चन है नहीं करना, ये सेकंड क्वेश्चन नहीं करना, इसका एट नहीं करना, ठीक है। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या नाटक है ये, काटो इसे, ठीक है। ये कंसिस्टेंट काटो इसे, भाई हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 101% सोल्व हो जाएंगे, तो आपको बस एक्स वाई और जेड को सोल्व करना सीखना है और कुछ भी तरीका नहीं है इसका, सिर्फ सोल्व करना आना चाहिए और ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो क्या है ये फालतू की चीज, प्रूफ डैट, ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एक एक नंबर के में। ल्यूंटफ मॉडल से आप लिख लो भैया, केस स्टडी आएगी, ल्यूंटफ मॉडल से केस स्टडी पक्का है, 5 नंबर की केस स्टडी आएगी, आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ भी डिलीट नहीं करवा रहा, हर एक चीज को अच्छे से करिएगा। देखो जैसे ही जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपका, पेज नंबर 162 पर और मेरी पीडीएफ के अकॉर्डिंग 159 पर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है, और शॉर्टकट मेथड कहता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, ठीक है। मैंने शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके फाइंड करा है, इसका आंसर शून्य होना चाहिए, तो आपको भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में शॉर्टकट अप्लाई करना आना चाहिए। तो आप अपने टीचर को बोलिए कि आपको शॉर्टकट मेथड सिखा दे, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड सोल्व कर सको, ठीक है। देखो जैसे 5वां क्वेश्चन है, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे 0 आंसर होगा, तो फटाफट से शॉर्टकट अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो तो आप देख ही रहे हो और सारी चीजों को अच्छे से समझ भी रहे हो, लेकिन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो आप हमारे कंप्लीट एमसीक्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये स्पेशली क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के लिए बनाया गया है। इस बैच के अंदर हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू द टीचमेंट ऐप। जो लाइव क्लासेस हम लेते हैं उन्हीं क्लासेस का रिकॉर्डेड, यानी कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसी का सेम टू सेम रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल रहता है टीचमेंट ऐप पर। विद इन 1 आवर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड हो जाता है, जिससे कि आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते हैं, और एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि बस क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ गए, वो प्रैक्टिस नहीं होती। एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने का मतलब होता है आपको एमसीक्यू को सोल्व करने के अप्रोचेस को सीखना है, कि हम कौन सी अप्रोच को कौन से टाइम पर कैसे अप्लाई करें कि जिससे हमारे एमसीक्यू का क्वेश्चन विद इन 2 मिनट सोल्व हो जाए। तो अगर आप कैपेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के बाद मेरा प्रॉमिस है कि आप अपने स्कूल के टॉपर होंगे, अप्लाइड मैथ्स हाईएस्ट मार्क्स आपके ही आएंगे। देन दोस्तों पेज नंबर 163 पर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर आपको
और सिर्फ इंटरवल फाइंड करने आने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरवल फाइंड करना सीखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन नहीं करने, शो डेट वाले क्वेश्चन नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरवल फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंटरवल फाइंड कर पाते हैं बहुत है, सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इवन मैक्सिमम मिनिमा करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, जस्ट इंटरवल फाइंड करना सीख जाओ, कहानी खत्म। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या नाटक है ये भैया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको काटा मारो, ये सब बेकार है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.1 पूरी बिना मतलब की एक्सरसाइज है, काटा मार दो इस पे। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा जो लगातार बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, उनको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, और जो लगातार घटता जाए घटता जाए घटता जाए घटता जाए, यानी कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कर्व होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो हमें भी। दिस एग्जाम्पल टू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वन को काटा मारो, एग्जाम्पल थ्री के ऊपर भी काटा मारो, एग्जाम्पल फोर इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फाइव इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको प्रूफ नहीं करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शो डैट, आपको शो डैट नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ये वाला फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, बस ये आपको पता होना चाहिए, और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखो ऐसे छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसका डेरिवेटिव करना कितना आसान है, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। इक्वेट करेंगे जीरो से, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू आपके एग्जाम में आ सकती है, इंटरवल आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये आपको सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है और आपको बस ये प्रूविंग करना आना चाहिए, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना, सिर्फ आपको फाइंड करना आना चाहिए कि ये कौन से इंटरवल में इंक्रीज होगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीज होगा। ठीक है, ये शो डेट टाइप वाले क्वेश्चन को आप शो डेट के अकॉर्डिंग मत करना, आपको बस ये सीखना है डेरिवेटिव करने के बाद, क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद, कहाँ पे इंक्रीज होता है कहाँ पे डिक्रीज होता है, बस इतना। ये वाला क्वेश्चन आप, ये एग्जाम्पल सॉरी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नहीं करेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना है। ये वाला एग्जाम्पल 10 डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, लेकिन इसमें सेकंड पार्ट नहीं करेंगे, इसको नहीं करना। ठीक है, बाकी फर्स्ट वाले पार्ट तक करना है, यानी कि इसको ये नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं करना। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे जो देखो डिग्री चार के क्वेश्चन है, जो डिग्री फोर के क्वेश्चन है, अगर आपके पास वेला टाइम है तो आप इनको कर सकते हो, अदरवाइज काटा मार दो। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री तीन, डिग्री तीन से ऊपर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है, देखो क्या है ये एक्स, इसको पहले मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वेयर करो, क्या नाटक है ये, काटा मारो इस पे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप करिएगा। ठीक है, ये एग्जांपल 15 भी आप करना, सिर्फ डेरिवेटिव करके इंटरवल फाइंड करना सीखना है, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जस्ट आपको इंटरवल फाइंड करना आना चाहिए, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना। ये क्वेश्चन पांच काट दो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, जस्ट आपको इंटरवल फाइंड करना सीखना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखो जैसे डिग्री चार का क्वेश्चन है, ये डिग्री चार का क्वेश्चन है, ये डिग्री तीन, डिग्री दो यानी कि डिग्री पांच का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने, छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन आपको सीखने हैं। मैंने अपना वीडियो में जिस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए थे ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना। ये क्वेश्चन नंबर 16 काट दो, ये नहीं आएगा। एंड यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में आप लिख लो, केस स्टडी आएगी भैया। ठीक है, जितने भी मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन है ना, अच्छे से करिएगा, इनमें से केस स्टडी आएगा, डेफिनेटली केस स्टडी आएगा, लिख के देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे ही हमारे एग्जाम्पल नंबर वन दिया हुआ है ना, तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए, अगर आपका मन है आपके पास टाइम है करने का तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए पेज नंबर 186 पर आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो डेफिनेटली डेफिनेटली करनी आनी चाहिए, इसी में से आपका केस स्टडी आएगा। मैं आपको लिख करके देने को तैयार हूँ कि आपका केस स्टडी इसी में से आएगा। ठीक है, केस स्टडी के लिए ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करना है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको केस स्टडी का प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? वेरी गुड, आपको केस स्टडी का प्रैक्टिस करना है।
फिर देखिए पेज नंबर 202 पर यह आपके कॉस्ट फंक्शन का एग्जाम्पल है, इसको आपको करना है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, ये आप करिएगा। ठीक है, आपको एक ये दिया हुआ है, जितने भी कॉस्ट फंक्शन के क्वेश्चन है ना ये आप करिए। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, केस स्टडी में आ सकते हैं, आप इनको करिए। ठीक है, या आपका डिमांड फंक्शन हो गया, रिवेन्यू फंक्शन हो गया, इनको आप करिए अच्छे से। ठीक है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस आपको नहीं करना, आप लिख लीजिए कि एक्सरसाइज 6.7 से आपकी केस स्टडी आएगी। ठीक है, केस स्टडी आएगी आपकी। ठीक है, ओके। देखिए जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हो गया, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हो गया, तो मार्जिनल मार्जिनल जहाँ पे आता है ना, मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव करना, तो आप इनको कर सकते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क एमसीक्यू आएगा। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपसे बोलेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, तो डेरिवेटिव करके आपको बताना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ये होगा, सिंपल एकदम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, इसको क्रॉस कर दो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, ये आप करिएगा। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, इसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको। एग्जाम्पल 4 आप मत करिएगा, एग्जाम्पल 5 डेफिनेटली करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 नहीं करना आपको, एग्जाम्पल 8 आपको करना है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 9 भी आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 आप मत करिएगा, एंड एग्जाम्पल नंबर 11 भी आप मत करिएगा। अपने को सिर्फ बेसिक बेसिक करना है यार, ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए, 6-6 नंबर के क्वेश्चन है यार, ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें करनी है आपको। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, ये बिना मतलब का क्वेश्चन है, ये करना ही नहीं आपको यार। ठीक है, जैसे देखो ये वाला एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आप करिएगा। ठीक है, ये टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो ये 4 के 4 पार्ट्स आपके केस स्टडी में आ सकते हैं, तो इस लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, इनमें से भी देखो ये जो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है ये आप मत करना। देखो एक ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी इसमें वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरवल फाइंड करने आने चाहिए, तो देखो आपको बताना है किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो अगर आपको इंटरवल फाइंड करने आते हैं तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और तो और जो मैंने आपको बताया था कि डिग्री मैक्सिमम 3 होती है, तो देखो यहाँ पे डिग्री 3 है, 3 डिग्री से ज्यादा का क्वेश्चन अप्लाइड मैथ्स में आ ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। और फिर भी अगर आप एडिशनल क्वेश्चन करने में टाइम खराब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। ठीक है, देखो मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है ना, जहाँ पर ई की पावर एक्स नॉर्मल था, यहाँ पर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो बात तो वही है ना कि ई की पावर एक्स अगर आपको करना आएगा तो माइनस एक्स वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, तो चीजें बहुत ही सिंपल आएंगी। ठीक है, देखो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग आपको मैंने ऊपर बताया कि आपको सिंपल सिंपल एवरेज कॉस्ट बताना आना चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट के लिए आप इस वाले को एक्स आउटपुट से डिवाइड करोगे और 5 यूनिट उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चीजें हमेशा सिंपल होती हैं और इजी होती हैं। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो ना, ये नहीं करने आपको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हमारे एग्जाम में। देखो ये एक इन्होंने केस स्टडी बना रखी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा को मिक्स करके, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला 1 और ये वाला 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, या आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। देखो हर क्वेश्चन में आप देखो आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरवल ही पूछे जा रहे हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरवल पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं पूछा जा रहा। देखो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का मैंने आपको ऊपर बताया है कि छोटे छोटे बेसिक बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो देखो इजी क्वेश्चन है ये वाला, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। ठीक है, देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली ये लास्ट ईयर के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर का क्वेश्चन पिक करा हुआ है ये वाला, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का सैंपल पेपर, उसमें उसी का ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का एकदम बेसिक लेवल, ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे आप डिग्री देख लो, डिग्री 2 है, डिग्री 3 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। देखो है ना, देखो एक केस स्टडी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन, तो मैक्सिमम मिनिमा में सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही करना है और वो एप्लीकेशन भी आपका केस स्टडी में आएगा, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। देखो
देन आपका चैप्टर नंबर 7 तो टर्म 2 में आएगा, अभी हमें इसके बारे में बात करनी नहीं है। गाइस वॉल्यूम 1 में से मैंने आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चंस बता दिए हैं, अब ये वाली वॉल्यूम 2 है हमारी, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर आपने ये वाला वॉल्यूम 2 डाउनलोड कर लिया है, एंड अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम 2 का। देखिए पेज नंबर 8 पर आपको वॉल्यूम 2 का कंटेंट दिया हुआ है, और वॉल्यूम 2 में आपको चैप्टर नंबर 9 करना है, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा कंप्लीट, और चैप्टर नंबर 11 से आपको ये इंडेक्स नंबर करना है, ठीक है? बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो हमारे टर्म 2 के चैप्टर हैं, ठीक है? तो चैप्टर 9 और चैप्टर 11। देखिए पेज नंबर 9 पर आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है, और आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप इस चैप्टर में ये सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे, और इस वाले चैप्टर में ज्यादा कुछ डिलीशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं उन पे आप डिलीट कर देना, उसको आप क्रॉस कर देना, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके केस स्टडी में आएगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से, ये केस स्टडी से आएगा। केस स्टडी में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एग्जाम्पल 2 रहेगा। ये एग्जाम्पल 3 भी सेम टू सेम है केस स्टडी वाला, ठीक है? ये एग्जाम्पल 4 भी केस स्टडी में ही आएगा, या आपका एग्जाम्पल 5 हो गया। ये सभी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है गाइस, इस वाले चैप्टर को आप लोग ना अच्छे से स्टडी करना है, इसमें से कुछ ज्यादा डिलीशन नहीं है, इसको एकदम अच्छे और बेहतरीन लेवल से आपको स्टडी करना है। जहां तक मैं सोचता हूँ इस वाले चैप्टर से ना आपका केस स्टडी में क्वेश्चन बनेगा, इकट्ठे 5-6 क्वेश्चन दे देंगे और आपको उसमें से 4 करने होंगे, ठीक है? तो आप इनको एकदम अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करो, एकदम अच्छे से एक चीज को स्टडी करो, ठीक है? इस चैप्टर में ज्यादा कुछ डिलीशन वाला पार्ट है नहीं। देखो मैंने बोला था ना आपको केस स्टडी आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जाम्पल 1 केस स्टडी का दिया हुआ है, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ये देखो ये बायनोमियल थ्योरम का आपका केस स्टडी दिया हुआ है, तो केस स्टडी करनी है आपको। और अच्छी बात देखो यहाँ पे इन्होंने 3/5 की पावर 4 को भी सॉल्व नहीं करा हुआ, तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है। इसके बाद गाइस पेज नंबर 97 पे आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंडेक्स नंबर स्टडी करना है। एंड आप लोग लिख लो आपके इंडेक्स नंबर पर जो मेन फोकस होना चाहिए, इंडेक्स नंबर चैप्टर में जो मेन फोकस होना चाहिए वो इसकी थ्योरी और फॉर्मूलाज पर होना चाहिए, ठीक है? आपको इसकी थ्योरीज और फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है, इसकी थ्योरी और फॉर्मूलाज पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखो जैसे आप यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करो प्राइस इंडेक्स, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आने हैं, और 1 मार्कर क्वेश्चन में इस ये 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये वाले जो आप फॉर्मूले देख रहे हैं ना, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो आपको इन फॉर्मूलाज पर फोकस करना है, ये इनके कैलकुलेशन पर फोकस नहीं करना, ठीक है? और ये जो यहाँ पे आपका पेज नंबर है, ये पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 पर जो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये टाइम रिवर्सल टेस्ट करना है, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट करना है। और टाइम रिवर्सल टेस्ट में एक ये वाला फॉर्मूला होता है, इस वाले फॉर्मूले को अच्छे से करिएगा, लर्न करिएगा, बाकी और ज्यादा कुछ इसमें करने की नीड नहीं है। ये जो एक्सरसाइज 11.1 आप देख रहे हैं, एकदम काटा मार दो इसके ऊपर, ये आपको करने की नहीं है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी और थ्योरी पर फोकस करना है। देखो आपको जो जितने भी MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप? देखो ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको जो भी करना है अकॉर्डिंग टू थ्योरी बेस ही करना है, थ्योरी अच्छे से करिएगा, ठीक है? ये वाली केस स्टडी आप मत करना, ये वाली केस स्टडी टाइम सीरीज की है, इंडेक्स नंबर की नहीं है। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 12, एंड चैप्टर नंबर 12 हमारा टर्म 2 का चैप्टर है। देखिए जी ये हमारी सप्लीमेंट्री बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स की बाय ML अग्रवाल। इस बुक के अंदर जो टॉपिक्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में इंक्लूड नहीं किए गए थे, वो सभी के सभी टॉपिक इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर हमें सप्लीमेंट्री बुक का कंटेंट देखने को मिलेगा। इस वाले कंटेंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में जो अर्थमेटिक फंक्शंस हैं ये डिलीटेड है, ये हमें नहीं करना है, ठीक है? इन मोबियस फंक्शन के बाद ये जो शेड्यूलिंग है ये भी आपको नहीं करना है, और इस शेड्यूलिंग में जो आपको एल्गोरिदम दिया हुआ है FCFS और SJF ये भी नहीं करना है, ठीक है? एंड ये जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है हमको, ठीक है?
फाइंडिंग इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, इन सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे आप। देन ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसको एज इट इज का एज इट इज स्टडी करेंगे, इसमें कुछ भी डिलीशन नहीं है, और ये वाला चैप्टर टर्म 1 का चैप्टर है, ठीक है। देन जो चैप्टर नंबर 6 है ये भी आपके टर्म 1 का ही चैप्टर है, लेकिन आपको इसमें से ये जो लोगारिदम डिफरेंशिएशन है इसको नहीं करना, ठीक है, ये वाला पार्ट आप नहीं करेंगे। डेरिवेटिव एज रेट मेजर आप नहीं करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल तो आपको करना ही करना है। देन ये जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 आपके टर्म 2 में आएगा सप्लीमेंट बुक में से, ये वाला भी आपका चैप्टर नंबर 12 टर्म 2 में आएगा। एंड जो चैप्टर नंबर 15 से आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट है, ये वाला बिल्कुल ही डिलीट कर दो, ना ही टर्म 1 में आएगा ना ही टर्म 2 में आएगा। फिर आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पर आपका ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो स्टार्ट होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो से 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एमसीक्यू में आना ही आना है। जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में आप ये इक्विवेलेंस रिलेशन देख रहे हैं ना, उसमें आपको ये सब प्रूफ नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको ये सब चीजें करने की नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको डिलीट कर देना है, ये हमें स्टडी नहीं करना, ये पूरा का पूरा आप डिलीट कर देंगे, इसको स्टडी नहीं करेंगे। एंड जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हैं ये भी, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं करेंगे, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये सब आपको नहीं करना है। देन पेज नंबर 22 पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 22 से चैप्टर नंबर 4 का एडिशनल मैटर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आप ये पेज नंबर 26 पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये नहीं करना है आपको। एंड जो पेज नंबर 28 पर आप ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देख रहे हैं, ये भी नहीं करना, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये नहीं करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन नहीं करने। देखो आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सारे, बहुत बढ़िया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर ए बी और बी ए को माइनस करते हैं तो ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए बी डैश और बी ए डैश का माइनस करेंगे ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो इजी इजी है ये सब, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को प्लीज आप डिलीट कर दो। ये क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए ना आप एक शॉर्टकट मेथड का यूज करना, ठीक है, आप इसको करने के लिए शॉर्टकट मेथड का यूज करना, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्टकट मेथड का यूज करो, इजीली आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं पेज नंबर 37 पे आपका चैप्टर नंबर 5 का एडिशनल मैटर दिया हुआ है, तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है, ये आपको करना ही है। हम सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं पेज नंबर 60 पर आपको चैप्टर नंबर 6 का एडिशनल मैटर दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको इसमें ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने। तो एग्जांपल नंबर 1 में आपको बस इसका डेरिवेटिव करना सीखना है, ये वेरिफिकेशन वाला मत करना, जस्ट आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, उसके लिए आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करके देख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2 नहीं करेंगे आप, इसको क्रॉस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 को भी क्रॉस करेंगे, ये नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हम क्रॉस करेंगे, बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे। एक्सरसाइज जो 1 हमें दे रखी है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आप करिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप करिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप करिए, थर्ड पे क्रॉस करिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप क्रॉस करिए, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्रॉस करिए, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बस इसका डेरिवेटिव करना आना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 को मॉडिफाई कर लो, ये काट दो और क्वेश्चन नंबर 8 को मॉडिफाई कर लो, आपको जस्ट फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स दोनों पार्ट्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डिलीट कर दो, लोगारिथम डिफरेंशिएशन डिलीट कर दो, लोगारिथम डिफरेंशिएशन में जितने भी एग्जाम्पल हैं जितने भी क्वेश्चन है सबके सब डिलीट कर दो, नहीं करने अपने को, ठीक है। देन ये पेज नंबर 67 से हमारा पैरामेट्रिक स्टार्ट हो रहा है, तो पैरामेट्रिक में आप एग्जाम्पल 1 करेंगे, ठीक है जी, एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 पे क्रॉस करेंगे, ये नहीं करना है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम इसको करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट नहीं करेंगे। देन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करेंगे, ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं करेंगे,
एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 भी नहीं करेंगे, ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 9 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 11 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 12 भी नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 13 तो बिल्कुल भी नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 14 भी नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 15 भी नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 15 डेफिनेटली करना है। देन आपकी एक्सरसाइज 4 आप में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक्सरसाइज 4 में आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप ये 6th वाला पार्ट करेंगे ना, तो इसका एक मेथड नंबर 2 होता है, M2 मेथड होता है, इसको M2 मेथड से करना, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा है M2 मेथड, इसी को कहते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ ना, ये मेथड नंबर 2 ही है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 जितने भी आए सब डिलीट कर दो, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक डिलीटेड है। ये रेट मेजर आपको बिल्कुल भी नहीं करना, तो रेट मेजर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये रेट मेजर की एक्सरसाइज है, बिल्कुल नहीं करनी आपको। देन टेंजेंट एंड नॉर्मल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंजेंट एंड नॉर्मल से एक एमसीक्यू जो डेफिनेटली आना ही आना है, तो प्लीज आप लोग मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। कहाँ पे हैं इसके एग्जाम्पल? यस, एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, 101% करेंगे। एंड इस एग्जाम्पल को करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है, तो आप इस एग्जाम्पल को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ठीक है। प्लीज यूज शॉर्टकट मेथड, आप ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है। ओके जी, वेरी वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम करेंगे, डेफिनेटली इजी एग्जाम्पल है ये वाला। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ना, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, यहाँ पे हम टेंजेंट 10 थीटा का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, तब जाकर स्लोप हमारी -1 और +1 आती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्लोप -1 और +1, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आता है, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दे दिया कि स्लोप +1 -1 होता है, तो इसको मत करना आप, ठीक है। ये एग्जाम्पल 4 नहीं करेंगे आप, समझ पा रहे हो मेरी बात आप? एग्जाम्पल 5 करना है आपको, ठीक है, एग्जाम्पल 6 नहीं करेंगे आप, ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 7 भी नहीं करेंगे आप, उसके बाद एग्जाम्पल 8 भी नहीं करेंगे, बिल्कुल क्रॉस करो इसके ऊपर आप। एग्जाम्पल नंबर 9 छोटा है, इसको करेंगे डेरिवेटिव करके, एक्स का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करके वैल्यू आ जाएगा, ये आप करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 पे क्रॉस करेंगे, हमें इसके अंदर सिंपल प्रॉब्लम करना है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, 11 भी नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो 12 दिया हुआ है ना, ये आप करिएगा, इसका सेकेंड पार्ट हटा दो, सेकेंड पार्ट नहीं करना, फर्स्ट पार्ट करना सिर्फ इसका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 को आप करना, लेकिन इसका सेकेंड वाला पार्ट मत करना, ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 14 में आप यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे टेंजेंट करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तब करना, अगर नॉर्मल का करोगे तो मत करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा, नॉर्मल वाला नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो यहाँ पे साइन इन्वॉल्व हो रखा है, इसको नहीं करेंगे, क्रॉस कर देंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे लिख देंगे शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसको बस इसको सॉल्व करना सीख लेना, ज्यादा माइंड पे प्रेशर मत लेना, और अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस पे छोटा सा राइट लगा देते हैं, ठीक है। छोटे से राइट का मतलब है, अगर आप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर 10 डेफिनेटली करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 में यहाँ पे ये नॉर्मल 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 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरह करना, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 18 मत करना, क्योंकि इसके अंदर ये साइन एक्स इन्वॉल्व हो रखा है ना, और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 का एडिशनल मैटर है, ये हमारे टर्म 2 का चैप्टर है, और टर्म 2 के चैप्टरों में से आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना,
हर एक चीज आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है जी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप सबने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू वेरी वेरी मच। अब फटाफट से ये वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, सो डैट उनको भी पता चल पाए भाई कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। एंड प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोले हैं, अगर आप इसी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत बेहतरीन लेवल के मार्क्स आएंगे, ये मैं एकदम डैम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।